दोस्तों नमस्कार और वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हिंदी ऑटोमोबाइल्स चैनल पर और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त एपी सिंह। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टाटा हैरियर का रिव्यू। टाटा की सबसे शानदार गाड़ी पावरफुल, जिसमें आता है 1956 सीसी का इंजन तथा 138 BHP पावर तथा 350 Nm का टॉर्क देती है तथा इसका माइलेज है 17 का। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गाड़ी और इस सेगमेंट में अगर आप कंपेयर करेंगे इसके फीचर्स को, तो आपको दिखाएंगे हम इंटीरियर एक्सटीरियर व्यू, ताकि आप जान पाएँ क्या इसमें ऐसा विशेष है कि आपको ये गाड़ी परचेज करनी चाहिए। इस सेगमेंट से अगर आप कंपेयर करेंगे तभी जान पाएंगे। तो दोस्तों दिखाएंगे आपको डिटेल रिव्यू, तो उससे पहले आपको दिखाते हैं इसका वॉक। तो फ्रेंड्स आप देखिए, ये है इसका एक्सटीरियर व्यू और ये टाटा हैरियर का लोगो आप देख सकते हैं। इसके अलावा क्रोम ग्रिल और ये आप HID प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल रहे हैं इसमें आपको, ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स तथा ये आपके फॉग लैंप्स बिल्कुल स्टाइलिश। और इसके बाद में R17 इंच का इसमें अलॉय व्हील्स मिल रहा है आपको। तो फ्रेंड्स इसमें R17 के अलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM मिरर्स के साथ दिया हुआ है और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs आपको इसमें मिलेंगे फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं। और इसका ये लॉन्ग व्यू देखिए आप, तथा इसके बाद आपको दिखाएंगे इसका बूट स्पेस, कितना बूट स्पेस है। 425 लीटर का बूट स्पेस है इस सेगमेंट में, सबसे ज़्यादा है इसका बूट स्पेस। तो फ्रेंड्स इसमें मिलता है आपको 425 लीटर का बूट स्पेस, यानी कि ज़बरदस्त। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तब भी आप अपना काफ़ी अच्छा लगेज कैरी ऑन कर सकते हैं। स्लाइड कर देंगे तो 850 लीटर हो जाता है। और हाँ, यानी इसमें सीटें स्लाइड भी हो जाती हैं, 850 लीटर का हो जाता है। बहुत बढ़िया, इतना अच्छा स्पेस शायद इस सेगमेंट की किसी दूसरी गाड़ी में आपको नहीं मिल पाएगा। और ये देखिए आप, बिल्कुल लुक आ रहा है इसका डिस्कवरी D8, पूरी जगुआर लैंड रोवर की D8 प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है ये कार। बिल्कुल जैसा कि हमें बताया सर ने, जगुआर के प्लेटफॉर्म पर है और आप बिल्कुल वही लुक देखेंगे जो उन गाड़ियों में मिलता था, पूरी तरह स्टाइलिश न्यू एडवांस प्लेटफॉर्म। इसके अलावा 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि इस सेगमेंट में सबसे हाईएस्ट है। और सबसे ज़्यादा दोस्तों इसमें मिलेगा आपको बेस्ट, जो इंडियन रोड के हिसाब से हम देखते हैं ग्राउंड क्लियरेंस, यानी कि 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज़्यादा इस गाड़ी का आपको मिलेगा। निश्चित रूप से आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी अनदर ब्रांड्स की गाड़ी से। इंटीरियर दिखा दो। और इसके बाद में बॉडी कलर मैच में ही आपको इसका मिलते हैं डोर हैंडल तथा ये आपके एसी वेंट्स फ्रेंड्स। और इसके अलावा ये 8 इंच का, 9.8 इंच का, यानी 9 इंच में आपको मिलता है हरमन का टच स्क्रीन सिस्टम, 9 JBL के स्पीकर्स के साथ, जिसमें सब बूफर और एम्पलीफायर भी है, यानी 9 JBL के स्पीकर विद ट्यूटर वगैरह सब इसी जाती है ना। अच्छा, ये कंप्लीट आप सिस्टम देख सकते हैं, एप्पल कार प्ले, GPS, नेविगेशन सभी कुछ इसमें आपको मिलेगा फ्रेंड्स। और इसके अलावा मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एडजस्टेबल है ना, टेलीस्कोपिक दोनों दिया हुआ है सर ये इसमें, टिल्ट और टेलीस्कोपिक, यानी कि एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हाइट के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही बेटर ऑप्शन है, आपको थकान नहीं होगी इस गाड़ी में। इसके अलावा सर इसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी दिए हुए हैं आपके कंफर्ट के लिए। अच्छा, क्रूज कंट्रोल भी इसमें मिलते हैं फ्रेंड्स। जी जी जी, बहुत बेटर। और ये आपका आता है 6-speed manual में, यानी कि 6-speed manual में है, जो नॉर्मल गाड़ी 5-speed manual में आती है, लेकिन इसमें आपको मिलेगा 6-speed manual। इसके अलावा इसमें मल्टी ड्राइव मोड्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप अपने अनुभव के हिसाब से, अपने उसके रोड क्लियरेंस के हिसाब से आप गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको गाड़ी में एवरेज चाहिए तो आपको ये इको मोड पर ड्राइव कर सकते हैं, इको मोड एवरेज के लिए, एवरेज के लिए, जिससे आपकी गाड़ी का ड्राइव करते टाइम ही गाड़ी का एवरेज बढ़ जाएगा इकोनॉमी मोड पर ड्राइव करते ही। इसके अलावा अगर आपको गाड़ी में पावर की आवश्यकता ज़्यादा है, आपको पावर ज़्यादा चाहिए, तो आप यहीं से स्पोर्ट मोड ड्राइव कर सकते हैं। बाहर का साउंड बन रहा है। अच्छा अच्छा, इसके बाद में ये है आपका पावर मोड, एक्स्ट्रा पावर के लिए, एक्स्ट्रा पावर के लिए स्पोर्ट मोड से जिसे हम बोलते हैं। अगर हम स्पोर्ट मोड पे गाड़ी ड्राइव करते हैं तो इसमें फुल टॉर्क और फुल पावर मिलती है, जो कि आप अपने हिसाब से गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 3 ट्रेन मोड्स भी दिए हुए हैं, नॉर्मल, रफ, वेट। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, रोड पर गड्ढे वगैरह ज़्यादा हैं, तो आपको सिर्फ ये एक बार मूव कर,
यानी बहुत ही ज्यादा आरामदायक, फुल कंफर्टेबल कार है ये। इसका इस सेगमेंट में इससे ज्यादा स्पेस आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये तो आर्मरेस्ट वगैरह भी है इसमें, तो सब चीजें जी। इसमें फ्रंट आर्मरेस्ट कूल ग्लो बॉक्स के साथ दिया हुआ है, कूल इसमें अपने कुछ छोटा मोटा ठंडा। बॉर्न ऑफ लैंड रोवर पेडिग्री, यानी कि बिल्कुल उसी प्लेटफॉर्म। अच्छा अच्छा, ठीक बात। इस सेगमेंट में इससे ज्यादा स्पेस आपको किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा। आइए सर। तो फ्रेंड्स आप देखिए, इसमें इस सेगमेंट की गाड़ी का सबसे बेटर लेग स्पेस मिलता है। आप बिल्कुल देखिए, चेक करिए, देखिए कितना स्पेस रहता है इसके बाद भी जो है, यानी कि बहुत आरामदायक सफर कर सकते हैं। लॉन्ग ड्राइव में आपको कोई दिक्कत नहीं, कितने भी किलोमीटर ड्राइव कीजिए आपको थकावट बिल्कुल। तो फ्रेंड्स इस गाड़ी में आपको मिलते हैं 6 एयरबैग, यानी कि फुल सेफ्टी विद ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग तथा सभी जो सेफ्टी फीचर्स है सभी आपको इसमें मिल जाते हैं। और ये आपका वेरिएंट है टाटा हैरियर XZ, टाटा हैरियर का XZ वेरिएंट है। इसमें आपको हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल्स भी मिलेगा, जो कि आपको पहाड़ी एरिया में चलाते टाइम आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी देगा। अगर आप किसी पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं तो गियर शिफ्टिंग करते टाइम, और आप अगर किसी चढ़ाव पर गाड़ी खड़ी हुई है और आप गाड़ी को रन करना चाहते हैं तो आप गियर शिफ्टिंग करोगे तो गाड़ी 3 सेकंड तक आपके पीछे नहीं जाएगी, हिल होल्ड एक्टिवेट हो जाएगा। हिल असिस्ट है मतलब, हिल होल्ड कहते हैं। जी जी जी, तो उसमें आप इजीली आप गाड़ी को कहीं भी ड्राइव कर सकते हो विद सेफ्टी। 6 एयरबैग्स भी इसमें आपको मिल रहा है। इसके अलावा 14 फंक्शनैलिटी के साथ इसमें ESP कंट्रोल्स भी दिया हुआ है, जो कि फर्स्ट इन क्लास इस सेगमेंट में है। और इस गाड़ी में सब कीलेस एंट्री का भी यूज किया गया है, आपके पास चाबी हो आप इजीली गेट ओपन कर सकते हैं। और इसके अलावा सब विंडो कंट्रोल आपको यहीं पे मिलेंगे, यानी बिल्कुल सेफ्टी सहित आप गाड़ी रन कर सकते हैं। आपकी फैमिली अगर इस गाड़ी में है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चे जो परेशानी करते हैं वो प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहाँ से विंडोज को लॉक भी कर सकते हो, जैसे कि आप चाहो कि पावर विंडो पीछे से ऑपरेट ना हो तो आप इसे अनलॉक भी कर सकते हो और लॉक भी कर सकते हो, ये ऑप्शन भी दिया हुआ है। सीट भी, ड्राइवर सीट भी 8-way एडजस्टेबल है, आप ऊपर नीचे अप डाउन भी कर सकते हैं, अप डाउन सिस्टम भी कर सकते हैं। इसके अलावा बैक आप आगे बैक और रियर में भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, यानी अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी सभी सीटें। इसके अलावा इसमें लंबर सपोर्ट भी दिया हुआ है। अच्छा, आप यहाँ जैसे कि किसी की पीठ में दर्द वगैरह ना हो उसके लंबर सपोर्ट का भी इसमें सिस्टम दिया हुआ है। अच्छा, तो फ्रेंड्स ये है इसका कुल इंटीरियर और एक्सटीरियर व्यू। अब आपको लास्ट में दिखाते हैं इसका इंजन किस तरीके का है इसमें और क्या उसकी पावर है। सारी पावर्स हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। और अगर आप गाड़ी टाटा की परचेज करना चाहते हैं, एनीथिंग जो भी आप पसंद करते हैं मिड या हाई सेगमेंट की, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, आप वहाँ पर कॉल करके अपने लिए गाड़ी बुक कर सकते हैं या डिटेल्स जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं 2.0 का डीजल इंजन। तो मोर पावर आपको मिलती है टाटा की इस हैरियर में, और आप सबकी डिमांड पर हम लाए हैं ये रिव्यू। तो उम्मीद है आपको रिव्यू पसंद आया होगा दोस्तों। और एक और ख़ास बात है फ्रेंड्स कि टाटा की गाड़ियां आप केवल इस आधार पर ही नहीं परचेज करते हैं कि उस पर डिस्काउंट्स क्या है, लेकिन मेन चीज़ है कि आप सेफ्टी अगर देखना चाहते हैं, अगर आपके माइंड में है सेफ्टी इज़ फर्स्ट एंड ऑल इज़ सेकंड, तो निश्चित रूप से टाटा गाड़ियां बेस्ट हैं। इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो गूगल में चेक कर सकते हैं कि टाटा की एकमात्र ऐसी गाड़ी है नेक्सॉन जिसे 5-star NCAP में मिले हुए हैं। तो इसी तरह की ये गाड़ी है, हालांकि मिड सेगमेंट में टियागो आती है, आपकी अन्य गाड़ियां आती हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। बॉडी बिल्डअप अगर आप कंपेयर करेंगे सेम सेगमेंट की गाड़ियों से तो बहुत ही बेटर मिलता है फ्रेंड्स। और दोस्तों नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए तथा कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप कोई भी टाटा की गाड़ी परचेज करना चाहते हैं तो आपको बेस्ट ऑफर्स मिल जाएंगे, तो हम आपको दे रहे हैं बेस्ट ऑफर्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी, तो आप अवश्य कॉल करें और इन्फॉर्मेशन अपने लिए आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर, टेक सेफ दोस्तों, रखिए सेफ्टी का ध्यान, स्पीड का सड़क पर ज़्यादा ना चलाएं, अपनी स्पीड